यही वो आमदार है, यही वो आमदार का परिवार है और यही उसके कार्यकर्ता है जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ वोट मांगने जाते हैं। इस बार अगर ये बलो वहाँ गए तो वहाँ पे उनका स्वागत चप्पल से होगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों इस समय हम मौजूद है महाड़ा कॉम्प्लेक्स में और अब आज 25 तारीख भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार राजन नाइक अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे क्राउड मॉब देख सकते हैं, हमारे पीछे किस तरह से यहाँ क्राउड जमा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राजन नाइक का आज नामांकन है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। बसई विरार नालासोपारा अंतर्गत पिछले 35 सालों से जो राजनीति चली आ रही है उसमें अब यह दावा किया जा रहा है कि अब बदलाव होना है और आज यहाँ मॉब जिस तरह से इकट्ठी की गई है, भीड़ इकट्ठी की गई है, क्या ये इस चीज़ के संकेत है? ये आने वाली 23 तारीख को मालूम पड़ेंगे, लेकिन आज फिलहाल जो नामांकन जिस तरह से यहाँ भव्यता के साथ नामांकन बने जाने की तैयारी हो रही है, तो हम बने हुए हैं, हम बताएंगे आपको आगे की सब अपडेट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, ये देखिए पूरी वीडियो आगे। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तेंदुलकर साहब क्या कहना चाहेंगे, आज ये मायावती एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नालासोपारा से नॉमिनेशन चालू है, क्या कहना चाहेंगे? दो जगह है, दोनों जगह मायावती बड़े मार्जिन से विजय होगी। कल एक पोस्ट वायरल हुई थी आपकी पार्टी में असंतोष बताया जा रहा है, तो कि इस आप क्या महायुति में असंतोष है? आपके जितेंद्र शिंदे के हवाले से एक पोस्ट आया था, उन्होंने आज के इस नॉमिनेशन से बहिष्कार किया था। अभी उम्मीदवार के बाजू में रथ पे है वो, तो सब शॉर्ट आउट हो गया सामान, रथ पे है ना वो, धूप में घूम रहे, इसका मतलब शॉर्ट आउट हो गया। वैसे इसे कौन उम्मीदवार होगा, अभी कुछ फाइनल हुआ क्या? आईटी ऐलान करके अभी 4 दिन बचे हैं, महायुति का उम्मीदवार रहेगा। मनोज सर क्या कहेंगे, बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी महायुति पालघर जिले में 6 सीटें लड़ रही है और आज नालासोपारा के विधानसभा में राजन नाइक जी उम्मीदवार की अर्जी भर रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस वसई विरार में भारतीय जनता और महायुति वसई विरार की जो तीनों सीट है, पालघर, बोईसर, वसई और नालासोपारा, तीनों सीटें भारी मार्जिन से जीतने जा रही है। आज जो आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं उससे आपको पता चला रहेगा कि यहाँ लोग बदलाव की ओर चल रहे हैं। परिवर्तन जो सृष्टि का नियम है वो अभी वसई विरार में लागू होगा, वसई विरार में विधानसभा में परिवर्तन होके रहेगा। वसई के लिए कैंडिडेट कौन फाइनल हुआ कुछ अभी तक? नहीं, अभी तक वसई का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके वरिष्ठ हमारे नेता अभी जल्दी ही फाइनल करेंगे। जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ता पूरी जी जान लगा के काम करेंगे। आपका नाम भी इच्छुक उम्मीदवार में काफी ऊपर चल रहा है लिस्ट में, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, लेकिन हमारे यहाँ इच्छुक वगैरह ऐसे होते नहीं चलता है। जो भी होता है भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व फाइनल करता है और जो भी वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मान्य होता है। लेकर पिछले 15 सालों के विकास को लेकर आगे क्या कहेंगे आप, क्या अपेक्षा? मैं पिछले 30 साल के विकास को लेके ये कहूँगी कि ये पिछले 30 साल का विकास है, कि आज भी उनका वही मुद्दा है, पानी वही है। आज भी यहाँ की जनता बोले वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में रहती है, परंतु ग्राम पंचायत से बुरा हाल है हमारा और यही रीज़न है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना सशक्त उम्मीदवार दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया है कि वो अपना खुद का उम्मीदवार खुद के चिन्ह पे खड़ा कर रही है। और रही बात 15 साल की, अगर आप विकास की बात करेंगे तो ये वो विकास है जो आज 41 बिल्डिंग भुगत रहा है और आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी कि आज इसे वहाँ पे तोड़क कार्रवाई चालू हो गई। आज वहाँ पे 7 बिल्डिंग तोड़ने का आदेश आया है, हालांकि 41 की 41 बिल्डिंग सब टूटने वाली है, परंतु वो सब गरीब जनता जो है बेघर होगी और वो सबके सब मतदार है और इसका जवाब वो लोग भली भांति चुनाव में वोटिंग के थ्रू देंगे। 15 सालों से बनी हुई इमारतें जो जिसका आप चर्चा कर रही है, कौन जिम्मेदार होगा? महानगर पालिका भी उस समय थी, प्रशासन भी उस समय था, उस समय भी अवैध निर्माण हुए, सिर्फ 41 बिल्डिंगों पर किसकी नजर है? देखिए 41 बिल्डिंग का सबसे पहला जिम्मेदार मैं समझती हूँ उस समय के महापौर, जो आप लोग सभी जानते हैं कि 2009 में प्रथम महापौर कौन थे, तो प्रथम महापौर उस समय के जिम्मेदार है। उसके अलावा उस समय की उस क्षेत्र की नगर सेविका जो कि बहुजन विकास आघाड़ी की थी, कि उनको पता ही नहीं था कि उनके वार्ड में सरकारी जमीन पे जो है बन रहा था और
और उस समय देखिए कैसा होता है, यहाँ पे आपको पता है बंदरबाट होता है, यहाँ पे लोग अपना अपना कमीशन लेके निकल लेते हैं साइड में। आज तकलीफ किसी को हो रही है, आज अगर बेघर हो रही है तो गरीब जनता हो रही है। और यहाँ के आमदार बड़े ही बेशर्मी के साथ कहते हैं, परसों उन्होंने ये गरीब जनता को कहा कि आप लोग इतना देर से क्यों है, आप लोगों को मेरे पास पहले आना चाहिए था। परंतु यही वो आमदार है, यही वो आमदार का परिवार है और यही उसके कार्यकर्ता है जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ वोट मांगने जाते हैं। इस बार अगर ये लोग वहाँ गए तो वहाँ पे उनका स्वागत चप्पल से होगा। सर्वप्रथम राज भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल द्वारा आप ही को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपको निरोगी स्वास्थ्य मिले और ऐसे ही आपका जो पत्रकारिता है वो लोगों को न्याय दिलाने में और सामाजिक सुधार बनने में हमेशा से धन्यवाद। आज का आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर महायुति का आज फॉर्म भरने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये आने वाला चुनाव ये विचार विरुद्ध व्यक्ति विशेष ऐसा चुनाव रहेगा। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं, कई लोगों में चर्चा थी कि मेरे बारे में आप सीधा सीधा पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर राजन नाइक नहीं, अगर तो पाटिल को भी टिकट मिली होती तो भी आज हम लोग यहाँ पर प्रचार के लिए इतने उत्साह से आए क्योंकि व्यक्ति महत्व का नहीं, विचार महत्व। हम जो महायुति के विचार को लेके आज जा रहे हैं, उस विचार को लेके और निश्चित रूप से जो 75,000 की लोकसभा की डेट थी, 75,000 की डेट लेके चुनके आएंगे नालासोपारा से। वसई में भी जल्दी हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएगा, उसे भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ये तीनों सीट महायुति जी। इधर कोई नहीं आएगा, आगे पीछे रहेंगे सभी लोग, रात के पीछे रहेंगे।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।